हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके एनालिसिस में हमने देखना है कि आंसर बीजेपी बाय की नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। लेट्स सी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की सपोर्ट्स आ रही हैं जो कि क्लियरली नज़र आ रही हैं। एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट खड़ी है। अगर मार्केट यहीं से निकलती है तो एन मुमकिन है यहीं से रिकवर कर जाए, जिसमें हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी इसको फेवर दे रही है। अगर यहाँ पे लगाएं तो डेफिनेटली यहाँ से, अदरवाइज यहाँ से। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रिवर्सल है वो इस पॉइंट के करीब करीब कहीं पे भी निकल सकती है मार्केट। तो पूरी जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो यहीं पे आ रही है, यहाँ से निकल सकती है। अगर यहाँ से निकलती है तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास ये एक सपोर्ट भी है, तो अगर हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, अगर हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस जाएगा वो इस सपोर्ट, तो यहाँ पर हमारा जो टॉप लॉस आएगा वो इस पॉइंट से भी नीचे आएगा, जो कि काफ़ी मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस बन रहा है। ऑलमोस्ट 79.5 पिप्स तक बन रहा है। तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करता। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो एंट्री को ज़रा फिल्टर आउट कर लें। तो हम यहाँ से इस सपोर्ट को ज़रा साइड पे करते हैं, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट रिकवर करे तो यहाँ से कर रही है, उसकी रीजंस क्या हैं कि मैं एंट्री यहां से लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम इस लो पॉइंट से नीचे जाएगा। तो मेरा स्टॉप लॉस इतना रहने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 25 पिप्स एक्सेप्टेबल बन रहा है। टारगेट जो है वो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट यहाँ से ये रहेगा, थर्ड टारगेट यहाँ तक रहेगा ये हमारे पास। और बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो 11 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में M30 में जाके देखते हैं तो M30 में डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी बेहतर आ रहा है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जहां से मार्केट ने रिवर्स किया था रिकवर करके, तो वापस आ रही है मार्केट। तो एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से, आपको यहाँ से आप एंट्री लें इस कैंडल के ब्लैक कैंडल की क्लोजिंग से, यहाँ से आप एंट्री लें ब्लैक कैंडल से लो पे स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका ये पॉइंट या जो प्रीवियस पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ये रखें। अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि अगर कोई बंदा एहतियातन अपना स्टॉप लॉस बड़ा करना चाहता है, जो कि यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले के तो एहतियातन सोच रहा है कि यार कहीं इस सपोर्ट तक ना आ जाए, तो वो अपना स्टॉप लॉस यहां तक कर लेगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस रिकमेंडेड नहीं है। तो यहां से मार्केट रिकवर होने के चांस हैं। इसको ब्रेक करने के चांसेस नीचे बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इस पॉइंट तक रिकवर आ सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। मगर मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट यहीं से रिकवर करेगी, यहीं इसी सपोर्ट के करीब से करेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है डबल, यहाँ पे चैनल की ट्रेंड लाइन भी बन रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और रिवर्सल बन रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट के रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो हेयर इज़ द एंट्री। हमेशा अपनी लॉट साइज को कंट्रोल करके, अपनी मनी मैनेजमेंट को देख के 1% के रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें। दुआ में याद रखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।